This is breaking news. एआरटीओ आगरा पर 13,50,000 रुपए प्रति माह रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जिला आगरा के सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां पर लगभग 100 से 150 गाड़ियां दूर दूर से ईंटों की मंडी करने के लिए आती हैं। गाड़ी मात्र 3 से 4 हजार ईंटों पर पास है, लेकिन 8,000 की ओवरलोडिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रत्येक गाड़ी से 9,000 रुपए प्रतिमाह वसूली कर एआरटीओ को दिए जाते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें एक व्यक्ति ने बताया कि लगभग 100 से 150 गाड़ियां चल रही हैं, 9,000 प्रतिमाह से 150 गाड़ियों का 13,50,000 रुपए प्रतिमाह रिश्वत लेने के रूप में लिया जाता है। एआरटीओ आगरा की मेहरबानी से यह सब मामला फल फूल रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब देखना यह होगा, क्या खबर के बाद कुछ कार्रवाई हो पाएगी या यूं ही प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। खबर तो दिखेगी। आगरा से अरुण कुमार की एक रिपोर्ट। जैसे कि सर, आज हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये ईंटों की मंडी है, तो सर सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्या इस मंडी के लिए परमिशन है? मंडी की तो परमिशन है। अच्छा सर, तो आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ पर हमने आकर के देखा, इसमें ओवरलोडिंग हो रही है, सर ये गाड़ी कितनी ईंटों पर इस पास है? सर 3,000 में पास है, 8,000 ला रही है। सर ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा बता पाएंगे कि परमिशन किसने दिए इस तरीके से? जैसे कि 3,000 पर ये गाड़ी पास है और 8,000 दे रहे हैं। एंट्री दे रहे हैं आईटीओ साहब। आईटीओ साहब को एंट्री देते हैं? यूटीसी और बांके बिहारी के दलाल हैं, ये एआरटीओ दे रही है। तो सर आपका मानना कितना है लगभग, ये यानी कि अवैध तरीके से ये कराया जा रहा है, इस तरीके से ओवरलोडिंग कराई जा रही है, सर आपको अंदाजा कितना देते होंगे? गाड़ी वाले तो 9 ले रहे हैं, पता ना क्या दे रहे हैं। गाड़ी वालों से 9,000 रुपए ले रहे हैं प्रत्येक एंट्री क्या महीने का सर, किस तरीके से? 9,000 रुपए प्रति गाड़ी। 9,000 रुपए प्रति गाड़ी महीने का। चलो सर बहुत अच्छा।